अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ जहेब। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी फ़्लाइट का टाइम चेंज हो जाता है या फिर टीके सेगमेंट जो है उसको एचके कैसे किया जाता है और चेक कैसे किया जाता है कि फ़्लाइट का टाइम चेंज है या नहीं। तो सबसे पहले आप सुबह, मैं आपको ये पहले मशवरा दूंगा, सुबह जब भी आप आएँ आते साल अपने क्यू चेक करें। मैं यहाँ पे क्यू चेक करना बताता हूँ। क्यू सी ए एंटर, ये आपके क्यूज ओपन हो जाएंगे। अभी मेरे इस क्यूज में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये दूसरा ग्रेलियो है, ईसीसी दूसरा है, इस वजह से ये भी वेंडर रिमार्क्स में इतने पीएनआर पड़े हुए हैं और एक अनएबल टू कंफर्म है और एक टाइम चेंज है। तो सबसे पहले हम ये ही देखेंगे जो इसमें डेट चेंज में पड़ा हुआ होगा, सॉरी टाइम चेंज में पड़ा हुआ होगा, वो अनएबल में भी पड़ा होगा। सबसे पहले हम अनएबल को क्लिक कर लेते हैं। इस अनेबल को क्लिक किया तो ये गुलाम फरीद साहब हैं जिनकी 30 मार्च को फ्लाइट थी कराची से मस्कत, और पहले 12:15 पर थी और 1 बजे यहाँ पे दिन को पहुँचनी थी, और ये एयरलाइन ने UN कर दिया। और वापसी की टाइम, वापसी की नेट जो है वो ये टीके हुई हुई है कि मतलब अभी एजेंट को नहीं पता, अगर एजेंट को पता लग जाए तो वो एच के कर सकता है इसको। उसका आज मैं आपको बताऊंगा कि एच के करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो ये कि मैं ये सेगमेंट निकालूंगा, ये जो UM हो चुका है, और इससे पहले कि इसको निकालूं और पहले आप अपने पैसेंजर से रब्ता करेंगे, कस्टमर से रब्ता करेंगे कि मेरे भाई आपका टाइम चेंज हो गया है, ये वाला टाइम है। अगर वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे वो टाइम सूट नहीं करता जो रात को टाइम आ रहा है, तो आप उसको नेक्स्ट डे की फ़्लाइट रीबुक करके दे देंगे। उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, एयरलाइन से सिर्फ कॉल करके उनको कन्फर्मेशन देनी होगी कि ये मैंने सेगमेंट डाल दिया है, और उसको आप सिर्फ रीइशू कर दें। और कस्टमर से भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बोलेगा कि ये मेरी वजह नहीं है, ये एयरलाइन की या आपकी गलती है, तो इसके कोई चार्जेस नहीं होते, वो आप फ्री में कर सकते हैं। और चलिए मैं अभी इस सेगमेंट पे निकालता हूँ सबसे पहले, जो कि ये UN हो चुका है एयरलाइन की तरफ से। यहाँ से मैं करूँगा X2। X2 क्यों करना है, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, इधर 1 होता तो X1 करना था। X2 किया और ये उसने बताया कि ठीक है अभी जो दूसरे नंबर पर है वो 30 मार्च कराची से मस्कत TK1 23:55 वहाँ से उड़ेगी कराची के टाइम, और मस्कत के टाइम मस्कत में पहुँचेगी 12:45। आप उसको कंफर्म करने के लिए कि ओके ठीक है वो वाला जो सेगमेंट है उसको मैं ख़त्म करता हूँ और ये वाला कंफर्म करता हूँ, R.ZUHAIR ER और IR। और इसके बाद अभी हमने उसके अंदर से सेगमेंट निकाल दिया जो UN था, और इसको इस क्यू से भी निकाल देते हैं कि हमने UN का पता लग गया है। क्यू में से PNR निकालने का तरीका है QR only। QR को एंटर करेंगे, क्यू से बाहर चला जाएगा। हम दोबारा से QCA करेंगे और ये देखें अभी सिर्फ यहाँ भी क्यू रह गया है टाइम चेंज वाला। इस टाइम चेंज को हमने क्लिक कर लेना है। इस टाइम चेंज के अंदर आए हैं तो ये टीके हैं, इसको हमने एच के कैसे बनाना है यहाँ पे ही आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप रो देखेंगे, रो कौन सी है, ये रो नंबर 2 है। यहाँ पे हम करेंगे @, आगे हम रो का नंबर देंगे जो सी रो जो सी लाइन में होगा, ये हम 2 करेंगे। आगे हम कर देंगे HK only HK और इसको कर देंगे आप एंटर। ये आप देख सकते हैं कि वही फ्लाइट है, सब कुछ वही है, यहाँ टीके की जगह एच के हो गया है। यहाँ पे आपने दोबारा से इसको रिसीव कर लेना है, R.ZUHAIR ER और IR। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये ट्रैवल के काबिल हो चुके हैं, WY326 लीमा क्लास 13 मार्च कराची टू मस्कत HK1 मतलब के कंफर्म। अभी टीके जो था आपने एयरलाइन को भी बता दिया कि एजेंट ने भी देख लिया और आगे पैसेंजर को भी इन्फॉर्म कर दिया कि उसकी फ्लाइट का टाइम चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टीके का और UN का और क्यूज के बारे में पता लग गया है कि क्यू में से PNR कैसे निकालना है, और जो टीके हो जाए उसको HK कैसे करना है, और जो UN है उसको तो निकालना ही बाहर है PNR से। Thanks for watching. Apna khyal rakhiyega. Allah Hafiz. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.